जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द ट्रांजिट ऑफ मार्स इनटू कैप्रिकॉर्न। मंगल देव का मकर राशि में प्रवेश, उनके उच्च की राशि में, उनके एग्जॉर्टेड साइन में प्रवेश। दोस्तों, गोचर के बारे में कुछ बातें स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसे प्री प्लानिंग कहें या कोइंसिडेंस, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को किसी एस्ट्रोलॉजर ने एडवाइस दी थी कि आज जब मंगल देव अपनी उच्च की राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत हमें तालियां बजाकर करना है। और अगर ऐसी एडवाइस उनको किसी ने नहीं भी दी होगी तो हम इसे बाय लक कहे या कोइंसिडेंस कहे। आज ये जो भी हुआ है, हमने क्लैप्स बजाई है, हमने प्लेट्स बजाई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मंगल देव को आर्मी चीफ कहा गया है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मिलिट्री, नेवी या डॉक्टर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो भी हो, मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड, मंगल का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। मंगल को आर्मी चीफ कहा गया है। तो दोस्तों, क्योंकि इसका रिलेशन मेडिसिन से आता है, सर्जरी से आता है और पुलिस डिपार्टमेंट से भी आता है, तो ये डिपार्टमेंट के लोगों को मंगल की उच्च राशि में जाने से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मंगल देव हमारी रक्षा ये कोरोना वायरस से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो राहु के चरण को बदलने को, राहु के नक्षत्र को बदलने को बहुत टाइम है। अभी तो काफी दिन तक राहु अर्ध में रहेगा, तो उसके पहले हम ये सोच सकते हैं, हमें उम्मीद रख सकते हैं कि मंगल देव का उच्च का हो जाना, कमांडर इन चीफ का अपने हाथ में पावर ले लेना और पूरे वर्ल्ड की इससे रक्षा करना, ये हम एक होप रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल देव का मकर में गोचर का हम सभी पे क्या परिणाम होगा। दोस्तों, जब भी मैं हर गोचर के बारे में बात करता हूं तो मैं पहले ही ये कह देता हूं और हमेशा फिर से रिपीट करूंगा कि गोचर के हिसाब से हर एसेंडेंट के ऊपर, हर लग्न के ऊपर, एक एक लग्न को लेकर उसके परिणाम बताना, उसके रिजल्ट बताना, ये मैं काफी हद तक ठीक नहीं समझता। क्योंकि एसेंडेंट तो 12 ही है और करोड़ों लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं, तो सब पे इसका सेम परिणाम नहीं हो सकता। किसी की अच्छी अंतरदशा होगी, किसी की अच्छी मां दशा होगी, किसकी बुरी होगी, किसकी मार्केश की होगी, किसी का मंगल किसी की कुंडली के लिए कारक होगा तो किसी का मारक होगा। इसीलिए इसमें से जो कॉमन पॉइंट्स है, जो नॉर्मली सब पे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बस वही पॉइंट्स के बारे में बताना। लेकिन दोस्तों, ये बात तो पक्का है कि किसी की कुंडली के लिए चाहे मंगल कारक हो चाहे मारक हो, दोस्तों कोई भी लग्न की कुंडली हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, अच्छे बल के साथ बैठे हैं और स्पेशली एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे हैं, तो ही आपको ये गोचर का अच्छा या बुरा परिणाम मिलेगा, वरना आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे, अच्छे पोजीशन में बैठे, तो लगभग आप बोल सकते हो 60-70% आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, चाहे वो कारक हो या मारक हो। दोस्तों, मैं यहां पे ट्राई करूंगा कि कुछ कॉमन पॉइंट्स जो सभी की कुंडली में अप्लाई होंगे, फिर चाहे वो कोई भी दशा चल रही हो, तो ऐसे बहुत कम पॉइंट्स हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा तो वो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो जो सब पे अप्लाई होगा हम उसकी अभी बात करते हैं। दोस्तों, जहां पे मैंने राउंड बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ मार्स के बारे में नहीं देखना है, हम मार्स के बारे में सिर्फ कैसे देख सकते हैं जबकि कैप्रिकॉर्न में अभी शनिदेव भी है, मार्स 30 के बाद में वहां पे जुपिटर भी आ जाएंगे, तो 44 डेज तक मार्स कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। तो दोस्तों, हमें स्पेशली मैंने जहां पे राउंड टिक मार्क किया है, जहां पे आपका 10 नंबर कैप्रिकॉर्न 6th हाउस 7th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस, जहां पे मैंने राउंड टिक मार्क किया है और जहां पे मार्स और सैटर्न साथ में है और राउंड मैंने किया है, आपको स्पेशली कुछ प्रिकॉशंस लेनी है और ये सभी पे अप्लाई होगा, लगभग सभी पे अप्लाई होगा, आपको इसका ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न और मार्स 6th हाउस में है, 6th हाउस में 10 नंबर आ रहा है, कैप्रिकॉर्न राशि की रही है, सबसे पहले आपको एक केयर लेना है। आपको कोई भी लोन इस टाइम पे नहीं लेना है, आपको शेयर्स में, स्पेक्यूलेशन में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सट्टा नहीं लगाना है, लोन बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है। आपकी फॉरेन ट्रैवल हो सकती है,
नो डाउट आपकी फॉरेन ट्रेवल हो सकती है, लेकिन क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो फॉर श्योर चाहे आपकी कुंडली में कितनी भी अच्छी दशा क्यों ना चल रही हो, तो 44 डेज के लिए आपको लोन नहीं लेना है, आपको कोई भी एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं करने हैं, इसमें आपका बहुत लॉस हो सकता है। बेनिफिट पॉइंट ये है कि आपका सैटर्न और मार्स यहां पे आ चुका है, तो आपका अगर किसी से झगड़ा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो सॉल्व होने के बहुत चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से प्रिकॉशन नहीं लेते हो, अगर आप किसी झगड़े में उलझते हो, तो आप पे कोर्ट केस नया लगने के भी चांसेस रहेंगे। दोस्तों अगर आपका सैटर्न और मार्स, अगर आपका सैटर्न और मार्स सेवेंथ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि आ रही है, तो वाइफ के हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली आपको ध्यान रखना है। वाइफ, अगर आप हस्बैंड हो तो आपके वाइफ के लिए, अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड के लिए, आपके पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड आपको स्पेशली ध्यान रखना है अगर आपका सैटर्न और मार्स सेवेंथ हाउस में आ रहा है तो। दोस्तों एक और कॉमन पॉइंट, सैटर्न और मार्स का कहीं से भी जो सेवेंथ एस्पेक्ट रहेगा ये ठीक नहीं रहने वाला है, चाहे आपके लिए कारक हो या मारक हो। सैटर्न और मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट कहीं से भी होगा तो वो हाउस से रिलेटेड जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स मतलब रिलेशनशिप। दोस्तों अगर आपके थर्ड हाउस में सैटर्न और मार्स का एस्पेक्ट गिरेगा तो आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है, फोर्थ हाउस पे गिरेगा तो मम्मी के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, इलेवेंथ हाउस में गिरेगा तो बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूं लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका रिजल्ट अलग होगा, वो आपके अंतरदशा महादशा आपकी जो भी चल रही है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फॉर श्योर सैटर्न और मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट सभी एसेंडेंट के लिए, चाहे कोई भी दशा अंतरदशा हो, लिविंग थिंग्स के लिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो हाउस रिप्रेजेंट करता है वो रिलेशनशिप को, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से फैमिली में झगड़े होने के चांसेस 44 डेज में रह सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एट्थ हाउस की, अगर आपके अगर आपका जेमिनी एसेंडेंट में यहाँ पे एट्थ हाउस आएगा, अगर मार्स और सैटर्न आपके एट्थ हाउस में है, तो अगर आपका तबियत पहले से खराब चल रही है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी सर्जरीज हो सकती है, चोट लगने के चांसेस रह सकते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से आपका जुपिटर यहां एस्पेक्ट कर रहा है या आपकी अच्छी दशा चल रही है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको प्रिकॉशन तो लेनी है, मेरा काम आपको डराना नहीं, आपको पहले से अवेयर करना है। तो अगर आपका मार्स और सैटर्न यहां पे है तो पाइल्स की सर्जरी और कोई चोट आपको लग सकती है, तो आपको उससे बच के रहना है। दोस्तों अगर आपका मार्स और सैटर्न 12th हाउस में एक्टिवेट हो गया, किसी को फॉरेन जर्नीज करनी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, फॉरेन से रिलेटेड लाभ मिलेगा। अगर बाहर किसी का पैसा अटका है, घर से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपका पैसा डुबा के कोई भाग गया है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहा है, आपका पैसा अटका है और आपने पुलिस केस उसके खिलाफ की है, तो आपका पैसा जरूर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस रहने के चांसेस रह सकते हैं, आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, यहाँ पे फॉरेन में जाने के आपके योग तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन आपको जब यहां से मंगल हट जाएंगे, कैप्रिकॉन से मंगल देव जब हट जाएंगे, तब आपको फॉरेन में जाना है। अगर आपके अभी फॉरेन में जाने के योग बनते हैं तो आपको फॉरेन में जाना अभी अवॉइड करना है, क्योंकि योग बनेंगे। वैसे कोरोना वायरस की वजह से कोई जा भी नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके योग बनते हैं तो आपको अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो दोस्तों आपको स्पेशली 12th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में मार्स रहने के कारण क्या लॉस हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, ये मैंने बताया है, तो आपको यहाँ की स्पेशल केयर लेनी है, सभी के साथ हो सकता है। अब दोस्तों अगर आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न मार्स होगा तो फॉर श्योर आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे आपको फोर्थ एस्पेक्ट वो फोर्थ हाउस पे डालेगा मार्स, तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपके सेवेंथ हाउस में या कहीं से भी कोई भी पाप ग्रह है, अगर कोई भी पाप ग्रह है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका अंतरदशा के हिसाब से सैटर्न है, मीच का हो रहा है या कहीं भी है, और अगर फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको सर को चोट लगने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हैं और दूसरा पाप ग्रह फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट करेगा और आपका होरोस्कोप भी वही शो कर रहा है, तो ही आपको सर पे चोट लगने के चांसेस रह सकते हैं, सर के सर्जरी के चांसेस रह सकते हैं, वरना नहीं होगी। तो आपको हेड इंजरी से सावधान रहना है, व्हीकल्स धीरे से चलाना है। दोस्तों सेकेंड हाउस में सैटर्न और मार्स का आना, धन भाव बहुत अच्छा हो गया, आपकी वाणी थोड़ी क्रूर कर सकता है,
आप जो टाइप से बोलते हो वहां पे थोड़ी गर्माहट ला सकता है, वो भी होरोस्कोप पे डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल ये पैसों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लिविंग थिंग्स के लिए फैमिली में झगड़े होने के चांसेस रह सकते हैं, स्पेशली जो लोगों के कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है उनके कुंडली में ये टाइम पे झगड़े होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पैसों में अच्छा खासा फायदा होगा, आपका बहुत लाभ होने वाला है। दोस्तों अगर थर्ड हाउस में आपके सैटर्न और मार्स आ रहे हैं, छोटी मोटी जर्नीस कराएगा। सैटर्न थर्ड हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस को देखेगा, मार्स भी नाइन्थ हाउस को देखेगा, छोटी भी जर्नी करा सकता है, बड़ी भी जर्नी करा सकता है, जर्नीस के थ्रू आपको फायदा होगा। अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है और आपको लग रहा है कि काम आपका बनना चाहिए, तो आप थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर दो। थर्ड हाउस एक्टिवेट कैसा होगा, थर्ड हाउस एक्टिवेट कैसा होगा, शॉर्ट जर्नीस के थ्रू। अगर आपके काम आपके सिटी से बाहर है तो बाहर जाइए, ऑनलाइन भी है तो बाहर जाइए, वहां की जर्नी करके आइए, थर्ड हाउस को एक्टिवेट करिए, आपके काम बनना चालू हो जाएंगे। जर्नीस के थ्रू आपके काम अच्छे बनने के बहुत योग है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पाप प्लेनेट बैठा है, नाइन्थ हाउस में कोई पाप प्लेनेट बैठा है, चाहे उसकी अंतरदशा हो, महादशा हो या ना भी हो, अगर बैठा है सैटर्न या मार्स में से कोई बैठा है, वीक होके बैठा है, तो यहाँ पे पापा के हेल्थ को प्रॉब्लम आने के चांसेस रह सकते हैं। आपके पापा के हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। दोस्तों फोर्थ हाउस में सैटर्न और मार्स आएंगे। दोस्तों यहां तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे वो शशा योग भी बन जाएगा। मार्स यहाँ पे आ रहा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए हैं, आपको नई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, लगभग आप ले ही सकते हो। आपकी कुंडली में कैसे भी योग हो, अगर आप छोटा काम करना चाहते हो, किसी की कुंडली में बड़ा राजयोग होगा, किसी की कुंडली में छोटा राजयोग होगा, तो अगर कोई छोटा मोटा काम करना चाहता है उसके पैसों के हिसाब से, तो कर सकता है, क्योंकि सैटर्न और मार्स यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर श्योर मंगल और सैटर्न सब प्रॉपर्टी के कारक है, किसी को रेंट से अच्छे जगह पे फ्लैट लेना है, किसी को शिफ्ट होना है, तो वो ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सेवेंथ एस्पेक्ट टेंथ हाउस पे जाएगा, तो आपका जो लिविंग थिंग्स रिलेशनशिप होती है, फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों फिफ्थ हाउस में सैटर्न और मार्स का आना, अब ये डिपेंड करेगा आपके होरोस्कोप में प्लेसमेंट्स कैसी हो रही है, क्योंकि सैटर्न और मार्स जब एक साथ गोचर में आएंगे, फिफ्थ हाउस में आएंगे, तो शादी के पहले के जो रिलेशनशिप होते हैं, लव रिलेशनशिप होते हैं, गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो भी होता है, बॉयफ्रेंड्स वगैरह जो भी होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका होरोस्कोप में यहां से कोई जुपिटर की दशा चालू है, वीनस की दशा चालू है, तो आपके नए रिलेशनशिप भी बनेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी एक्टिवेट है और कुछ बुरे प्लैनेट्स यहां देख रहे हैं गोचर के थ्रू, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपको ये एजुकेशन में हेल्प करेगा। यहां से 11th हाउस को देखेगा, 11th हाउस का एक्टिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पाप प्लैनेट भी अगर होते हैं तो आपको धन लाभ टेम्पररी पीरियड के लिए क्यों ना सही बिल्कुल मिलने ही वाला है। दोस्तों 9th हाउस की अगर बात करेंगे, तो 9th हाउस से अपना 4th एस्पेक्ट मार्स डालेगा 12th हाउस पे, आपके ऊपर लोन्स बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। लोन्स से सावधान, आपकी फॉरेन जर्नीस होगी, आप फॉरेन जर्नीस कर सकते हो, 9th हाउस वाले फॉरेन जर्नीस कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड उनकी फॉरेन जर्नीस अच्छी हो जाएगी। 9th हाउस वाले बिल्कुल फॉरेन जर्नीस कर सकते हैं, उनको ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि पापा के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका लक बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअल जर्नीज आपकी होने के बहुत चांसेस है, आध्यात्मिक यात्राएं जो रहती है वो बहुत होगी। सैटर्न आया हुआ है यहाँ पे, तो आध्यात्मिक यात्राएं होने के बहुत चांसेस है आपका, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 नंबर रहेगा तो यहाँ 11 रहेगा, तो ये कुंडली के लिए तो बहुत कारक हो जाएगा सैटर्न, तो आपके काम बनने के चांसेस बहुत रहेंगे। फॉरेन जर्नीज अच्छे से होगी, आपके अटके हुए काम भी निकल जाएंगे। मार्स और सैटर्न यहाँ पे, ये पूरे होरोस्कोप में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट यहाँ रहने वाली है। यहाँ पे कुलदीपक योग भी बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शशा योग भी बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मार्स भी 10 नंबर के राशि में आ रहा है, उच्च के राशि में आ रहा है, ये तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होगी। आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है पूरे सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से नई रिलेशनशिप बनने के चांसेस हो सकते हैं, आप नया एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, और आपको यहाँ पे फॉर श्योर आपके आपको अगर प्रमोशन आप चाह रहे हो, अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हो, अगर आप ट्रांसफर के थ्रू प्रमोशन चाह रहे हो, तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, और आपके वर्क प्लेस में बहुत सुधार आने वाला है। ये बात तो पक्की है अगर आपका मार्स उच्च का होकर कुंडली में भी बैठा हुआ है तो ही।
तो दोस्तों ये सब रहा एक इन जनरल सभी के लिए, ये लगभग लगभग मैंने जो पॉइंट्स बताए ये सभी एसेंडेंट्स पे लागू हो जाएंगे, बाकी तो आपकी हम बाकी तो हर किसी का होरोस्कोप भी मैटर करता है। तो दोस्तों आप सभी ये पीरियड में भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे वजह से कोरोना वायरस चला जाए, आप सभी घर पे रहिए, घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए और आप सभी आप लोगों की केयर लीजिए। मेरे साथ बने रहे, आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।